वाई। चलिए अगला टॉपिक हमारा कॉलिजन थ्योरी और ये सेकंड लास्ट टॉपिक ऑलमोस्ट। इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, कॉलिजन थ्योरी एज वेल एज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? कॉलिजन, कॉलिजन मतलब टकराव, कॉलिजन थ्योरी एज वेल एज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। सबसे पहले आप एक बात समझिए प्यारे बच्चों, देखिए एक बात तो आप क्लियर कर लीजिए। पहली बात तो ये है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि अब मैं रांची आ गया हूं, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा कि डेली वीडियोस अपलोड होंगे और आपके पास। अब दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को लगता है सर जो आप क्लास लेते हैं थोड़ा सा छोटा हो जाता है आपका जो अल्फाबेट्स हैं, तो आप बेहुदा है। क्या आप बेहुदा है? क्यों भाई? क्योंकि ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी है पीडीएफ फॉर्मेट में, आपने उस नोट्स को बना भी लिया है, आपको सिर्फ यहां समझा रहा हूं भाई साहब, ठीक है। जिनके पास इसका पीडीएफ का नोट्स नहीं है वो मुझे पर्सनली इनबॉक्स करेंगे, कमेंट बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, या यूट्यूब में आप देखेंगे तो वहां पे भी मेरा नंबर है, आप काइंडली मुझे वहां से टेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप कमेंट करके मुझसे नंबर ले सकते हैं। जो नए बच्चे हैं, जो नए सब्सक्राइबर, जो नए व्यूअर्स हैं वो ध्यान देंगे। वैसे इतना छोटा भी नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा मैं 1080 पिक्सल्स में फुल एचडी में वीडियोस बना रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसमें फुल एचडी में अपलोड करूंगा, आप लोग को डेटा कंज्यूम कम हो इसलिए मैं वीडियोस छोटे छोटे बना रहा हूँ। सेकेंड थिंग इज दैट आप अपने यूट्यूब में जाकर क्या करेंगे, उसमें ऑप्शन आता है आप किस क्वालिटी में वीडियो देखना चाहते हैं, आप उस क्वालिटी कम कर लीजिए वहां से देखिए, ठीक है। इसके पास डेटा है ठीक ठाक वो अपना हिसाब से देखेगा, इसके पास कम है किस तरह खींच खींच के चल रहा है। अच्छा, बहुत से बच्चे गांव में ऐसे फंसे हुए हैं जिनके पास डेटा बहुत स्लो चलता है, वो बच्चे मैसेज करते हैं सर मेरा डेटा बहुत स्लो रहता है, कुछ हो ही नहीं पाता। आप उसको डाउनलोड में लगा दीजिए, एक दिन फिजिक्स लगा दीजिए, एक टाइम केमिस्ट्री का लगा दीजिए, एक टाइम मैथ्स का लगा दीजिए, वीडियोज डाउनलोड भी तो होते हैं, उसको डाउनलोड में लगा दीजिए। जब डाउनलोड हो जाए तो आराम से देखिए, खिंचक खिंचक के बफरिंग करके देखने से मज़ा नहीं आएगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना, इसलिए क्या कीजिए उसको रिकॉर्ड कर प्रॉपरली उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसको तरीके से देखिए कि ये समझ में आएंगे। भाई साहब मैं अभी वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, जब सिलेबस हो सकता है कि आपका ऑमिट हो, सिलेबस छोटा भी हो सकता है, तो मैं उसके न्यूज़ में ये भी दिया है, उसमें लिखा है साफ साफ कि वो चैप्टर भी पढ़ा है जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटाया जाता है। मेरे हिसाब से कोई भी वैसा चैप्टर है नहीं, अगर मैं कहूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बोलेंगे कि तो इतने दिन से कहाँ पढ़ा रहा था सबको, इंपॉर्टेंट सभी हैं लेकिन उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? जो आपके लाइफ से रिलेटेड हैं, जो आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वैसे चैप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम वही चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चल देखते हैं, कॉलिजन थ्योरी एज वेल एज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तुमको ये बात को समझना पड़ेगा कि अगर कभी भी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है ना, तो एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसके लिए क्या होता है कि एक से अधिक रिएक्टेंट का आपस में, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का आपस में कॉलिजन होना जरूरी होता है। जब तक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन नहीं कर लीजिए, ये आपका एक रिएक्टेंट है या आपका दूसरा रिएक्टेंट है, जब तक ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन नहीं करेंगे ना भाई साहब, कॉलिजन टकराएंगे नहीं, तब तक ये आपस में रिएक्शन से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ध्यान समझिएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बोल रहा हूँ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का आपस में कॉलिजन होना जरूरी है। सिर्फ कॉलिजन ही होना जरूरी नहीं है, कॉलिजन मस्ट बी इफेक्टिव, यानी प्रभावशाली कॉलिजन होना जरूरी है, यानी जोर से टकराना जरूरी है। उसके लिए जोर से टकराने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ, कितना जोर से एक मिनिमम, एक क्राइटेरिया बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी से टकराना चाहिए। अभी क्लियर करते हैं, जैसे कि अभी हम सब चीज क्लियर करेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है, ये समझ में अगर आ गया तो आपको कहीं इस ग्राफ से क्वेश्चन रहना तय है भाई साहब। तो देखिए, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का आपस में इफेक्टिव कॉलिजन होना जरूरी है, जोर से टकराना। मान लीजिए इधर से बाइक आ रहा है, इधर से स्कूटी आ रहा है, आते आ रहा है, एक स्पीड आते 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 क्या हुआ, दोनों ब्रेक मारते 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 सट गया, आपस में बस हल्का सा टच किया, तो टच किया तो कॉलिजन जरूर हुआ, स्पर्श जरूर किया, बट वो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं कहा जाएगा। जब सट गया तो क्या होगा, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, जब सटेगा तो क्या होगा, मारपीट नहीं होगा,
ओ ब्रो सॉरी ब्रो हेलो ब्रो ओ इट्स ओके इट्स ओके, क्या क्या आप निकल जाए। लेकिन अगर दोनों का स्पीड बहुत जबरदस्त होगा, बहुत जबरदस्त स्पीड होगा, और जब टकराएंगे तो क्या होगा, साउंड क्रिएट करेगा, पूरा माहौल गर्म हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा, मारा पीटी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, धक्का मुक्की हो जाएगा, बॉक्सिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कॉलेज रिएक्शन कब हुआ, रिएक्शन कब हुआ, अरे मारपीट कब हुआ, जब कॉलिजन तगड़ा था, स्ट्रांग था, जोर से टकराया। जोर से क्यों टकराया, क्योंकि स्पीड में था, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था हाफ एम बी स्क्वायर, तो एनर्जी ज्यादा था तो कॉलिजन भी इफेक्टिव हुआ, जोर से हुआ तो रिएक्शन भी हो गया। यानी कहने का मतलब रिएक्शन होने के लिए कॉलिजन शुड बी इफेक्टिव, कॉलिजन नहीं होगा तो फिर रिएक्शन पे मतलब नहीं है ना। अब देखिए, अब कॉलिजन होने के लिए भी क्या होता है, आप देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा, रिएक्टेंट, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। अगर आप आटा गूंथ कर रोटी पका रहे हैं तो स्टार्टिंग में गूंथे हुआ आटा आपका रिएक्टेंट है और पकी हुई रोटियां आपकी प्रोडक्ट है। अब गूंथा हुआ आटा जो है, गूंदा हुआ आटा जो आपका है वो रिएक्टेंट है, पकी हुई रोटियां प्रोडक्ट है। स्टार्टिंग में गूंदा हुआ आटा मैक्सिमम होता है, जो भी होता है 1 किलो 2 किलो जो भी होता है 250 ग्राम वो मैक्सिमम होता है। और रोटी यानी प्रोडक्ट, जब आप रोटी पकाना स्टार्ट नहीं किए हैं, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस वक्त प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, मिनिमम जीरो होता है। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का जब आपस में कॉलिजन होता है तो जितना ज्यादा कॉलिजन होगा, कॉलिजन इफेक्टिव भी होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम वो भी ज्यादा होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कॉलिजन फ्रिक्वेंसी, 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में, 10 किए 15 किए 20 किए 40 किए, 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे एज वेल एज जितना जोर से कोलाइड करेंगे, ये दो मैटर के दो चीजें महत्व रखती हैं किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। अब देखिए, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का आपस में कॉलिजन होने के लिए इनके पास भीड़ ज्यादा होना चाहिए। भैया बाजार में जाएंगे, मेला में जाएंगे, धक्का मुक्की तो होगा ना, जितना ज्यादा धक्का मुक्की होगा उतना मारपीट होने की संभावना है। आप भीड़ में जाएंगे तभी तो किसी से टकराएंगे, ऐसे तो नहीं ना जी कि रोड है उधर से करके उस साइड से आ रही है, इधर से हम जा रहे हैं तो इधर से ऐसे जाकर टकराएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा हो क्या भाई, टकराई कब, पागल थोड़े ना कि मार खाने काम करेंगे, अच्छा भी लगेगा यार, मुझे सूट नहीं करेगा ये आप लोग के लिए था। खैर, तो कहने का मतलब क्या है कि उधर से अगर कोई आ रहा है, इधर से हम जा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट रोड के एक उल्टा साइड, उल्टा साइड ऐसे जाके तो नहीं टकराएगा ना। टकराया कब, जब इधर से वो भी आ रही होगी, भीड़ बहुत होगा, इधर से वो भी होगी। अब माँ दुर्गा पंडाल भीड़ देखने गए हैं, अब वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा, अगर किसी टकरा भी जाए थोड़ा सा तो उसको ऐतराज नहीं होगा। क्यों ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भीड़ ही इतना, क्या करेगा, बस में भीड़ बहुत ज्यादा है, ट्रेन में भीड़ धक्का मुक्की थोड़ा बहुत होता है, वहाँ पे चलता है। अब आप रोड खाली है और जाकर टकराएंगे, इट्स नॉट गुड, कोई मतलब ही नहीं है। बस वही बात है, जितना ज्यादा भीड़ रहेगा धक्का मुक्की उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जल्दी जल्दी बनता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगता है, धीरे समय के साथ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होने लगने का मतलब है भीड़ कम होने लगता है। और जब भीड़ कम होने लगा तो कॉलिजन भी कम हो जाएगा ना भाई साहब, नहीं होगा, जब कॉलिजन भी कम हो जाएगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी तो कम हो जाएगा ना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो चीजें, बस यही है कॉलिजन थ्योरी, बस जो तुम्हें एक के जानते आ रहा है, इसी को अंग्रेजी में घुमा दिया तुमको, बस बस दुष्ट कर दिया, परेशान हो गए। देखो अब इसको समझो थोड़ा सा, देखिए अभी ग्राफ को समझिए, ग्राफ तुम्हारा माय बाप है इस चैप्टर का। देखो ये ग्राफ दो बार आपको पढ़ा चुके, एक बार पहले भी बताया था बट यहाँ पे थोड़ा मैं साफ नहीं कर पाया था, कॉपी में जब पढ़ा रहा था तो याद कीजिएगा। सबसे पहले ग्राफ ने बताया है, इसको हम एक एब्सिसा कहते हैं, एक ऑर्डिनेट कहलाता है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन करने के लिए कॉलिजन का होना जरूरी है और कॉलिजन होने से काम नहीं चलेगा, कॉलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, जोर से होना चाहिए, और जोर से कॉलिजन होने के लिए उसके पास मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी भी तो होना चाहिए। एनर्जी नहीं रहेगा, गाड़ी धीरे धीरे आ रहा है तो कहाँ से टकराएगा। यानी इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। नहीं समझे, गाड़ी का पार्ट्स टूटने के लिए, गाड़ी टकराएंगे तो गाड़ी का पार्ट्स टूटने के लिए गाड़ी में कुछ स्पीड होना चाहिए, गाड़ी दोनों गाड़ियों में कुछ एनर्जी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर मास तो ही है, यानी वेलोसिटी भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए इसके पास
रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास, क्या करने के लिए? इफेक्टिव कॉलिजन करने के लिए। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? एनर्जी बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी बैरियर, या क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। उतना होगा तभी इफेक्टिव कॉलिजन होगा और तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। पूछेगा एग्जाम में आएगा, व्हाट इज डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड एनर्जी, एकदम कंफर्म है कि आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर द इफेक्टिव कॉलिजन, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन टू बिकम रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट, टू बिकम प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम लोग ई टी से नोट करते हैं, ई लिख के सफिक्स में टी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी को बोलते हैं एनर्जी बैरियर, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी तो, अब देखो एक बार ग्राफ को ध्यान समझो, ये ग्राफ पहले समझाते हैं। ये ग्राफ आपके पास ये जो लाइन है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ध्यान समझना। ये आपका ओरिजिन है, यहां से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ये रिएक्टेंट है, क्या लिखा हुआ है? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का, ये रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी है और यहां पे आपका बना है प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी ये है। अगर इसको मानते हैं ए, इसको बोलते हैं दो, इसको बोलते हैं तीन। थोड़ी देर के समझिए, यानी प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? एक किलो जूल। थोड़ी देर के समझिए, और रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तीन किलो जूल। आपको ग्राफ जब भी बनाने, बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, यहां स्टार्ट किए यहीं पे खत्म कर देते हैं। वो जाहिर है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, भैया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्यों बनेगा, क्यों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा? टू बिकम स्टेबल, और स्टेबल होने के लिए एनर्जी शुड बी लेस। सारा जब रिएक्टेंट का जितना एनर्जी, प्रोडक्ट का भी उतना ही एनर्जी रहेगा, तो रिएक्शन हुआ काहे के लिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट के एनर्जी में क्या होता है? अंतर होता है। और ज्यादा एनर्जी किसके पास होता है? रिएक्टेंट के पास। किसके कंपैरिजन में? प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होगा तभी तो कॉलिजन होगा। वो अनस्टेबल है इसलिए अनस्टेबल है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है इसलिए अनस्टेबल है। तो स्टेबल होने के लिए ना प्रोडक्ट बन रहा है, तो जब स्टेबल होना चाहता है तो एनर्जी क्या करेगा? कम ना करेगा, नहीं जा सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। हाँ आ रहा हो, ठीक है। देखो रिएक्टेंट से क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब होता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन होना मांगता है। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास कितना एनर्जी होना चाहिए इफेक्टिव कॉलिजन के लिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन उतनी एनर्जी उसके पास होती नहीं है। एनर्जी है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। क्या होने के लिए? इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए। तो जितना एनर्जी इसके पास पहले से मिनिमम एनर्जी है, इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? एवरेज, या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बोल लीजिए ना, या एवरेज एनर्जी ही बोल दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, या एवरेज एनर्जी। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं एकदम खत्म है पूरा एनर्जी, जितना एनर्जी है बट उतना नहीं है जितना इसके पास होना चाहिए। अब इसके पास इतना एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट का एनर्जी इतना होना चाहिए, है इतना होना चाहिए इतना। रिएक्टेंट रिएक्शन तो होगा नहीं ना, रिएक्शन कैसे होगा? तो यहां इस एवरेज एनर्जी में ऐसा क्या कांड करें कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाए? बोलो क्या करें? एवरेज एनर्जी में ऐसा क्या कांड करें कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए? अरे एनर्जी सप्लाई करना मेरे प्यारे, सप्लाई करो एनर्जी, सप्लाई करो ना बाहर से, दो धूप से आएगा, साउंड से जाएगा, हीट से जाएगा, कहीं से वातावरण से लेगा, रिएक्शन करेगा, या चूल्हा जलाएंगे, फूकेंगे, कुछ तो करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के एनर्जी है भैया, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि उतना नहीं रहेगा तो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो उतना करने के लिए हम बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यानी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, रिएक्शन को चालू करने के लिए उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं थे उनके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो उसके लिए हमने उनको एनर्जी प्रोवाइड किया बाहर से, एक्सटर्नली जो एनर्जी हमने प्रोवाइड किया उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन को चालू करने के लिए किया ना, एक्टिवेट करने के लिए किया ना, उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कहने का मतलब ये जो आपका लाइन है, ये आपका रिएक्टेंट का एनर्जी है पहले से जो मौजूद था, और इतना आपको चाहिए था,
तो इतना से यहां से यहां पहुंचाने की इसमें क्या लिया ईए, क्या लिया ईए बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी आपने बाहर से प्रोवाइड किया। चलिए पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी इन कोलिजन थ्योरी, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच वी प्रोवाइड एक्सटर्नली ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट इट्स एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम एवरेज एनर्जी टू इट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड सो दैट इफेक्टिव कोलिजन अकर्स एंड हेंस रिएक्टेंट बिकम्स प्रोडक्ट। तो मैं समझता हूं आपको एवरेज एनर्जी समझ में आ गया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। देखो भैया तुम्हारे पास किसी बच्चा समझ में आ गया बेटा इरिटेट हो रहा हो दर साला बड़ी बोलता है, जो समझ में आ गया तो काहे बोल रहा है, लेकिन कुछ इसको दिमाग में इतना सेट कर लेना कि इसको बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए मान लीजिए एक मैगी का दाम 12 रुपया है, एक मैगी का दाम 12 रुपया है, मिनिमम 12 रुपया है, उस दुकान में जाइएगा 12 रुपया दीजिएगा तभी तो आपको मैगी देगा, मिनिमम मैगी का दाम 12 रुपया है, यानी 12 रुपया क्या हो गया उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। तुम लेके गए हो 10 रुपया, ध्यान समझना तुम कितना लेके गए हो 10 रुपया, तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है 10 रुपया, ये 10 रुपया क्या हो गया तुम्हारा एवरेज एनर्जी, जो तुम लेके गए हो दुकान 10 रुपया एवरेज एनर्जी है और मैगी का दाम 12 रुपया है। अब तुम्हारे पे 2 रुपया घट गया, छोटे बच्चे तुमको पता नहीं है 10 रुपया से तुम ले चला गया मैगी खाने का मन किया, कोई बच्चे थेट्रोलॉजी के अंदर पैसा ही था तो गया खाल था, वो लॉजिक क्या नहीं है समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास 12 रुपया मैगी का दाम है मिनिमम प्राइस है 12 रुपया तो उसका मतलब वो हो गया कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, आपके पॉकेट में 10 रुपया है तो वो आपका एवरेज एनर्जी है और 2 रुपया आपको घट रहा है तो आप किसी अंकल जी बगल में खड़े थे या कोई आपका दोस्त खड़ा था उससे 2 रुपया आप मांग करके और आप उसको दे दिए अंकल जी को, तो अंकल जी आपको मैगी दे दी, आप छोटे बच्चे को बहुत खुश हो गए, तो 2 रुपया जो आप उधार लिए जो आपको दूसरा कोई दिया ताकि आप मैगी खरीद पाए शॉपिंग कर पाए एक्टिवेट कर पाए, वो 2 रुपया आपने जो बाहर से आपको दिया वो क्या है आपका, क्या है वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का एक और डेफिनेशन निकल के आया जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी में जब एवरेज एनर्जी को घटा देंगे क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी, एक फॉर्मूला निकल के आया, थ्रेशोल्ड एनर्जी में जब आप एवरेज एनर्जी को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा भाई साहब, एक्टिवेशन एनर्जी निकल कर आएगा। एक डेफिनेशन हो गया। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हमको मान लीजिए यहां से एक बात और आपके नोट्स में लिखा है उसको क्लियर करना चाहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी अगर जीरो है तो रिएक्शन का रेट कैसा होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा है या बहुत ज्यादा है तो अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात समझ लीजिए कि अब मान लीजिए हमको वो जमीन खरीदना है 10 लाख रुपए का जमीन है और मेरे पास 10 लाख रुपया है, 10 लाख का जमीन है और 10 लाख रुपया में मेरे पास 10 लाख है, 10 लाख का जमीन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है 10 लाख, जमीन का दाम है मेरे पास कितना है 10 लाख है, तो क्या मुझे बाहर से किसी दूसरे से पैसे लेने की आवश्यकता है, नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी कितना है बच्चों, जीरो है, कितना है जीरो। अगर 10 लाख की जमीन और है और मेरे पास 10 लाख है तो मुझे किसी से पैसे लेने की जरूरत है, नहीं है। इसका मतलब मेरा एक्टिवेशन एनर्जी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या होगा, चुटकियों में तुरंत पॉकेट से निकालेंगे, चलो अभी तुरंत जमीन दे दो। कहने का मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है जीरो, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा वेरी फास्ट रैपिड, नहीं हो जाएगा तुरंत खरीदारी तुरंत हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर एक्टिवेट, यहां से भी क्वेश्चन रहता है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है तो रिएक्शन वेरी फास्ट हो जाएगा। ओके, वेरी फास्ट क्यों होगा, जितना चाहिए उतना है, तुरंत तो निकलते बनो। अब अगर मान लीजिए कि जमीन का दाम 10 लाख है और मेरे पास है 10.5 लाख, 10.5 का मतलब होता है 9,75,000, 25,000 रुपया घट रहा है, बहुत कम घट रहा है। 10 लाख जमीन का दाम है और मेरे पास 9,75,000 रुपए हैं, सिर्फ 25,000 रुपए कम हो रहे हैं, 9,75,000 के कंपेरिजन में 25,000 बहुत कम है। इस आदमी के पास 9,75,000 है, क्या वो आदमी 25,000 रुपए जुगाड़ नहीं कर सकता है, कर सकता है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा 1 दिन 2 दिन, लेकिन वो कर सकता है। इसका मतलब जब एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा रहेगा स्मॉल रहेगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगा स्मॉल रहेगा तो रिएक्शन का रेट कैसा होगा जी, फास्ट, वो था वेरी फास्ट, अब ये क्या रहेगा आधा घंटा में कर लेगा, वो भी कर लेगा।
लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा। मान लीजिए कि 10 लाख का जमीन है, मेरे पास 1 लाख रुपया है। सुनो ध्यान से, 10 लाख का जमीन है और मेरे पास 1 ही लाख रुपया है, घाट कितना रहा है 9 लाख रुपया। यानी कोई हमको 9 लाख देगा तो वो 9 लाख रुपया क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी हुआ। तो 9 लाख जुगाड़ करने लग जाएगा जिंदगी में। भाई 10 लाख का जमीन है, 1 लाख रुपया मेरे पास है, तो 9 लाख कहाँ से जुगाड़ करेंगे, टाइम लगेगा। तो अगर कहने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, लार्ज है, लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी है, तो रिएक्शन क्या होगा, वेरी स्लो। क्या होगा, वेरी स्लो। अब यहां से अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तुम नहीं बना पाओगे तो मेरी कोई गलती नहीं होगी। वीडियो को पॉज करो, जैसे करो, तुमको जो प्रॉब्लम है तुम अपना डील करो। अगर अभी भी तुमको समझ में नहीं आया तो फिर आई कांट डू एनीथिंग। अब सवाल यह आता है कि रिएक्टेंट का एनर्जी यहां पे इतना है, और जब ये प्रोडक्ट बना, ये रिएक्टेंट है, देखो कभी भी एक बात समझ लेना, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए बीच में एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट फेज, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या 10th के बाद डायरेक्ट कॉलेज चला गया? नहीं। नाम भले कॉलेज तुम्हारा जेवियर कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, बट दैट इज नॉट कॉलेज। वहां 11th-12th की पढ़ाई हो रही थी, 11th-12th स्कूल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10th से डायरेक्ट कॉलेज नहीं जाते हैं आप स्कूल से, कि बीच में फेज आता है जहां बिगड़ने का उम्र होता है, जहां प्यार मोहब्बत होता है। कौन सा क्लास है वो? 11th-12th, जहां लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं, जिसे आप खो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, मोस्ट एनर्जी, जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा मोर एनर्जी, लेस स्टेबल। और यही वाला पोजिशन पर अभी आप लोग सभी पे हैं। कहां पर? ट्रांजिशन स्टेट पे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे हैं, इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं। यहां पर रिएक्टेंट भी आप नहीं है, कच्चा मिट्टी भी नहीं है, आप पकी हुई मिट्टी का बर्तन भी नहीं है, आप बूंदे हुए मिट्टी हैं। अब आपको जिधर ढाल देंगे उधर ढल जाइएगा, आप इस स्टेज पर आ गए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक फेज आता है इंटरमीडिएट स्टेज, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब ये रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, ये ग्राफ वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये ग्राफ को जब तक कंप्लीट नहीं समझाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं। अब रिएक्टेंट का एनर्जी इतना है, पोटेंशियल एनर्जी 3 और प्रोडक्ट एनर्जी 1 है। तो 3 एनर्जी रिएक्टेंट के पास था, और जब वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया तो 3 से उसका एनर्जी क्या हो गया, 1 हो गया। कहां गया वो एनर्जी, कहां गया? जब उसके पास 3 एनर्जी था पहले से रिएक्टेंट के पास, और जब प्रोडक्ट बना उसका एनर्जी क्या हो गया, 1। दो एनर्जी कहां गया, लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस। ध्यान समझिएगा, उसका इंटरनल एनर्जी, उसका हीट जो था वो लॉस हुआ। इसका मतलब यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां जो आप इधर दिए हैं उसमें से कुछ इधर क्या हो जाएगा, लॉस हो जा रहा है। अब बताइए कि आपके पास पहले से 100 रुपया था, आपने कुछ एनर्जी लॉस किया, 20 रुपया लॉस कर दिया, तो आपके पास चेंज कितना आया, 80 रुपया प्लस 80 रुपया। 100 रुपया आपके पास था, 20 रुपया आपने चेंज किया, खर्च किया मतलब, तो आपके पास कितना बचा है, 80 रुपया बचा है। पॉजिटिव 80 रुपया बचा, माइनस में नहीं है, पॉजिटिव 80 रुपया। तो ये आपका क्या हो गया, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा मतलब चेंज, एच मतलब एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, उसके अंदर का हीट एनर्जी स्टोर्ड, स्टोर्ड हीट एनर्जी को ही तो एंथैल्पी कहते हैं। तो कहने का मतलब उसका स्टोर्ड एनर्जी पहले 3 था, स्टोर्ड हीट एनर्जी 3 था, और स्टोर्ड एनर्जी हीट एनर्जी 1 हो गया। तो 3 से 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन एंथैल्पी से क्या हुआ, यहां पर घट गया ना, डिक्रीज हुआ ना, नहीं समझ रहे हो? भैया चेंज कैसे निकालते हो यार, चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हो। तो फाइनल कितना है, 1, इनिशियल कितना था, 3। एक मिनट में टाइम वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, क्या आएगा, -2। इसका मतलब ये चेंज इन एंथैल्पी यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव। अगर ये चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है, अगर ये चेंज इन एंथैल्पी जो आपके पास क्या आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, 1 में से 3 घटाएंगे तो वैल्यू आएगा 2, तो वैल्यू क्या है, नेगेटिव है आपके पास। चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव, घट रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी घट रहा है। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
अब एक बात समझिए, आपके पास ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी क्या है, एक बात समझिएगा। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, एंडो मतलब देना, एंटर करना, वैसा रिएक्शन जिसको करवाने के लिए हीट देना पड़ता है वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ध्यान समझ लो, ठीक है। वैसा रिएक्शन जिसको करवाने के लिए हीट देना पड़ता है क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे चाय पत्ती को पानी में डाल के उबालना है, चाय बनेगा तो कैसे चाय बनेगा, चाय पत्ती और पानी आपस में रिएक्ट कब करेगा, जब उसको गर्म करेंगे, जितना गर्म करेंगे पानी को चाय का रंग उतना निखर के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नहीं है। अब बताइए, चाय पत्ती को जब पानी में डाले तो पहले मान ले चाय पत्ती ठंडा था, उसको गर्म किया, पानी ठंडा था उसको गर्म किया, तो गर्म किया तो उसका एनर्जी क्या हो गया, पहले की अपेक्षा उसका एनर्जी क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी, पहले की अपेक्षा उसमें जो एनर्जी स्टोर था हीट एनर्जी वो बढ़ गया, घट गया। पहले तो ठंडा था ना, उसको आप हीट देके गर्म कर दिए, उसका उसका इंथैल्पी, उसका हीट एनर्जी जो स्टोर था वो घट गया कि बढ़ गया, ऑफ कोर्स बढ़ गया। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बढ़ा ना जी हीट। अरे भाई एंडोथर्मिक इसका नाम है, तुम इसको हीट दिया तो पहले के कंपैरिजन में हीट बढ़ ना गया, चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल मैच इनिशियल पहले था 10, तुम हीट देकर उसको कर दिया 30, चेंज कैसे निकालोगे, 30 माइनस 10, पहले 10 था गर्म किया एनर्जी दिया ना तुम हीट जी, तो 30 हो गया, 30 माइनस 10 कितना हो गया, 20 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, प्लस 20 पॉजिटिव। और हम जानते हैं फॉर्मूला होता है चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी EAF माइनस EAR, आपके नोट्स में R लिखा हुआ है बट यहाँ पे मैंने B लिखा है, रिवर्स या बैकवर्ड, यानी फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, एक फॉर्मूला होता है चेंज इन एंथैल्पी निकालने का। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ये फॉर्मूला होता है डेल्टा कहां से आता है, जिसको हम करेंगे अगले चैप्टर में। चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू होता है EAF माइनस EAB, यानी कि फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड या रिवर्स एक्टिवेशन एनर्जी। इससे क्या निकलता है, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया हुआ है। चलिए अब यहां पे क्या हो गया, एंडोथर्मिक के लिए ये वाला वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है ना, होता है ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब आप बड़ा में छोटा घटाएंगे तब ना वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब बड़ा में छोटा घटाएंगे ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, कब पॉजिटिव आएगा, जब बड़ा में छोटा घटाएंगे आप। इसका मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है यहां से, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो ईए फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। लेकिन वही अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता, क्या होता है एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट, वैसा रिएक्शन जिससे हीट बाहर निकल रहा हो, जैसे चूना को पानी में डालेंगे तो हीट बाहर निकलने लगेगा, तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मान लीजिए चूना पानी वाला एग्जांपल देते हैं, तो पहले चूना के पास गर्मी था 30 और हीट निकल गया पानी डाले तो हो गया कितना एनर्जी उसके पास, 10 हो गया। तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले था 30 हो गया 10, फाइनल कितना हो गया 10, क्या करेंगे 10 माइनस 30 करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 20। तो इसका चेंज इन एंथैल्पी क्या हुआ, नेगेटिव। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगा, बोलो प्यारे बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये फॉर्मूला होता है, ये वाला वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब छोटा बड़ा घटाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। सीबीएसई के बच्चे विशेष तौर पर ध्यान देंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ही था, बस इससे यही चीज याद रखना था, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं, कंटिन्यूअस इक्वेशन है और न्यूमेरिकल्स इसे एक दो कराना चाहता हूं मैं। बच्चों ने डाउट भेजा था, एक बच्चे ने डाउट भेजा, उसका नाम है, अच्छा क्वेश्चन भेजा था वो, क्या नाम है, मॉर्निंग बैच का बच्चा है, इवनिंग में आता है, खैर भूल रहा हूँ प्यार बच्चे का नाम, बहुत क्यूट सा बच्चा है, अच्छा कोई बात नहीं, ऋषु वगैरह के साथ आता है शायद, मंडल 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 मंडल, यस प्रेम मंडल ने क्वेश्चन किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था। और आप लोग बाकी लोग पढ़िए, जेवियर के बच्चे तो एकदम जाहिल हो गए हैं, साले कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं भाई साहब। अरे कुछ पढ़ो मेरे प्यारे भाइयों, तुम ही लोग से उम्मीद है,
वीमेंस कॉलेज के बच्चे असाइनमेंट पे परेशान है, मारवाड़ी कॉलेज के बच्चे, वीमेंस कॉलेज के बच्चे, मारवाड़ी वीमेंस के बच्चों कुछ मिलिए नहीं रहा वो अलग परेशान है, हमें कुछ मिलिए नहीं रहा है, वीमेंस कॉलेज के बच्चों को असाइनमेंट मिल रहा है वो अलग परेशान है, जेबीआर के बच्चे अलग परेशान है। आपको नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, खाली नोट्स सजा का करोगे, सारी नोट्स नोट्स तो पैसे बाजार में मिल जाएगा, 20 रुपया का शर्मा गैस पढ़ोगे साले पास कर जाओगे, वो पास करना है, कुछ अचीव करना है, नॉलेज एक्वायर करना है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है।